गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याएं। अभी हमें 3 अंकों तक की संख्याएं आती हैं, जैसे कि इस संख्या दी गई है हमें 420। तो इसमें हमें ये पता है सबसे पीछे वाला स्थान किसका होता है, इकाई का, उसके बाद दहाई का और उसके बाद सैकड़ा का। अब हमें यही इन्हीं संख्याओं को गिन तारे की सहायता से सीखेंगे। गिन तारा क्या होता है? तार पे लगे हुए मोतियों को हमें गिनते जाना है। जैसे यहाँ पे हमें देखिए, ये गिन तारा है, इसमें ये सबसे पीछे वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, ये होता है इकाई का, फिर दूसरे नंबर पे दहाई का, फिर तीसरे पे सैकड़ा। अब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, संख्या में कितने मोती हैं, 1, 2, 3, 4। दहाई के स्थान पे क्या आएगा, 1, 2, 3। और सैकड़ा के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें संख्या प्राप्त हो गई, सैकड़ा मतलब 100, तो 5 क्या है, 100, और पीछे वाली संख्या 34, 534। जो सैकड़ा के स्थान पे है उसके पीछे 100, जो दहाई के स्थान पे है वो 30 है, और ये 4, 30, 4, 34, 534। सैकड़ा के स्थान वाले के पीछे 100 आता है। इसी तरह एक और दिया गया है गिनतारे पे, इकाई के स्थान पे कितने मोती, 2, दहाई के स्थान पे 1 और सैकड़ा के स्थान पे 5। तो क्या संख्या हो गई, 5 सैकड़ा के स्थान पे है तो 500 और पीछे की संख्या 12 है। गिनती आती है ना हमें 100 तक, तो पीछे से तीसरे स्थान पे जो भी संख्या होगी उसके जो भी अंक होगा उसके पीछे हम लगा देंगे 100, 500 और ये है 12 है। इसी तरह हमें कुछ और, अगर हमें कोई संख्या ही ना दी गई हो तो, मोती ना हो तो क्या संख्या होगी इस स्थान पर, जैसे यहाँ पे इस स्थान पे है 1 मोती और दहाई पे भी नहीं है और इकाई पे भी नहीं है, तो सबसे पहले इकाई के अगर नहीं है तो कितना होगा, 0। दहाई पे भी कुछ नहीं है तो कितना होगा, 0 और सैकड़ा पे 1, तो क्या संख्या हो गई, 100। ठीक है, पीछे कोई संख्या नहीं है। इसी तरह एक और करेंगे हम, तो इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 370 संख्या हो गई, 370। आए समझ में? अब अगर हमें ये तो गिनतारे में मोती दे रखे थे, मोतियों को देख के हमें संख्या बतानी थी, अब संख्या दे रखी हो और गिनतारा बनाना हो तो क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब हमें संख्या दी गई है 420, अब इसे हमें गिनतारे पे दर्शाना है, तो पहले बनाओ हमारा गिनतारा। इकाई के स्थान पे कोई मोती नहीं तो कुछ नहीं, इस पर लिखो इकाई, फिर अगला दहाई, दहाई को हमने छोटा करके द लिख दिया, द के पीछे बिंदी लगाई मतलब उसे छोटा किया गया, सैकड़ा के पीछे बिंदी उसको छोटा किया। इकाई के स्थान पे 0 है तो कोई भी मोती नहीं बनाना है, जहां भी 0 होगा तो हमें कोई मोती नहीं बनाना। दहाई के स्थान पे 2 तो 2 मोती, 1, 2। सैकड़ा के स्थान पे 4 मोती,
ठीक है बच्चों, अब इससे भी ज्यादा अगर हमें बड़ी संख्या दे दी जाए तो इसे आगे हम कर सकते हैं। जैसे ये संख्या दी है तो आप गिनतारे पे बनाना है इसे। तो सबसे पीछे का स्थान इकाई, फिर ढाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई के स्थान पे दो मोती, एक दो। ढाई के स्थान पे सात मोती, एक दो तीन चार पाँच छ सात। सैकड़ा के स्थान पे पाँच, एक दो तीन चार पाँच। हजार के स्थान पे सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात। और 10,000 के स्थान पे एक। ठीक है, तो ये है गिनतारे का प्रयोग करना। तो आज हमने क्या सीखा? गिनतारा बनाना और गिनतारे से संख्या लिखना। आ गया सभी को समझ में?